सालों से हो रही पानी की बर्बादी को रोकने के लिए अब कैंट कंपनी ने जीरो वाटर वेस्टेज कंसेप्ट के साथ वाटर प्यूरिफायर का अपग्रेड वर्जन लॉन्च किया। विमोचन समारोह के दौरान कैंट की ब्रांड अम्बेडकर हेमा मालिनी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस प्यूरिफायर में पानी की बर्बादी को रोकने के साथ साथ पानी की गुणवत्ता को भी अच्छा रखने का प्रयास किया गया है। Kent Arno water purifier, the new version of it. And I feel very happy that I am associated with this brand for the last so many years. Some years back when I met Mahesh Guptaji, he's very highly intelligent and very innovative person. He created this and I was so happy to be part of this, like from Sunday. And meanwhile, he has produced so many other things also, not only water purifier, air purifier, and many, many other things. It is very, very interesting, the main person is he. And today we talk about water contamination. It's very sad to see. Building up to 10th floor. Above 10th floor, we'll have to create a tank. The society will have to create a tank at the ground level. All the water will get collected into the tank, and from that tank, it can pump back to 20 story, 30 story, 40 story. Ek extra society ko is pe paisa kharch karna padega. Sir, zero water wastage technology pe 3-4 saal pehle se kent kaam kar rahi thi. Haan, humne pehle zero water wastage jo nikala tha, usme टैंक के अंदर दो टैंक बनाए थे। एक टैंक में प्योर पानी रहता था, एक में वेस्ट पानी रहता था। लेकिन वो वेस्ट पानी को भी लोग उसको वेस्ट ही करते थे। लेकिन अब जब टैंक से पाइपलाइन लग जाएगा, अब इसलिए जीरो कहला जाएगा। कस्टमर का एक्सपीरियंस देखते रहे, जैसे जैसे लोग की डिमांड देखते रहे, ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट करते रहे। इसका सबसे बड़ा फायदा टेक्नोलॉजी का ही होगा कि पुराने कोई भी प्योरीफायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और हर मॉडल में कन्वर्जन हो जाएगा। पहले सिर्फ एक मॉडल था जिसमें Ma'am, if you're willing to take some other question, we know that the entire country has erupted in a huge protest. We have recently seen that how Jamia students have been. अनकमिटेड होते हैं ना एक कंपनी के साथ, वैसे इधर उधर नहीं जाते। अभी कब तक काम कर चुका है? जब तक है पिताजी चाहेंगे, जब तक हम चाहेंगे, हम दोनों मिलकर करेंगे। मैम, दिल्ली में पानी को लेकर इतना क्राइसिस रहता है और ये भी काफ़ी रिपोर्ट्स आई कि पानी बहुत गंदा है, उसे लेकर आप कितने चिंतित होती हैं? बहुत चिंतित है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तरा में भी ये बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन इसके लिए सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब ठीक हो जाएगा, उसके होने की उम्मीद है। लेकिन ये सिर्फ सरकार आज अकेला नहीं कर सकती है, जहाँ के जहाँ जहाँ सिटीजन है, उनके जहाँ प्रॉब्लम है, आप दिल्ली में जो बोल रहे हैं, उन लोगों को भी इसमें ज़रा ध्यान देना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए कि कैसा स्वच्छ पानी दिया जाए, हमें भी स्वच्छ पानी मिले। सिर्फ कंप्लेन करने से नहीं होगा, दे शुड ऑल्सो वर्क हार्ड। उससे कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि एजुकेट किया जाए लोगों को कि पानी को अच्छे से इस्तेमाल करें और उसके जो एजुकेशन है इन
माय कॉन्स्टिट्यूएंसी गुप्ता जी हैज हेल्प्ड अ लॉट इन दिस सर.